डिंडोरी जिले की शेहपुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक भूपेंद्र मरावी को कांग्रेस ने दोबारा से टिकट देकर उन पर भरोसा जताया। INS 24/7 से बातचीत में कांग्रेस के उम्मीदवार की सूची की खबर दिखाई गई थी और जिसमें कि डिंडोरी से ओमकार मरकाम और शेहपुरा से भूपेंद्र मरावी को टिकट मिलना तय बताया गया था। अब टिकट मिलने पर भूपेंद्र मरावी ने INS 24/7 की विधान विश्वसनीयता को लेकर धन्यवाद जताया और साथ ही अपनी जीत का दावा किया। कांग्रेस ने फिर दोबारा भूपेंद्र मरावी कांग्रेस प्रत्याशी को फिर से अपना टिकट दी है। कांग्रेस प्रत्याशी भूपेंद्र मरावी इसके पहले भाजपा के कद्दावर नेता ओम प्रकाश धुर्वे को हराए थे और अब उनके साथ फिर उनका मुकाबला है। किस मुद्दे पर फिर से ये लोगों के बीच जाएंगे, उनसे क्या कहना है इनका, हम खुद भूपेंद्र मरावी जी से। इस बार आपके सामने फिर दोबारा भाजपा के कद्दावर नेता ओम प्रकाश धुर्वे है, उनकी राजनीति और अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना का एक आगाज दिखाया है लोगों को, उस पर क्या बोलूँ। इसी में माननीय कमलनाथ जी की जो भी 13 वचन दिए, चाहे 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 जलाएंगे हाफ गैस सिलेंडर, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, और सरकारी पुरानी पेंशन लागू, और जो हमारी अभी माननीय प्रियंका गांधी जी का रामनगर में आगमन हुआ, तो जो सबसे बड़ी चीज डिंडोरी जिले में शिक्षा का स्तर बहुत कमजोर है, उसके लिए माननीय प्रियंका गांधी जी ने पहली से आठवीं तक के बच्चों को 500 रुपया, 9वीं से 10वीं के बच्चों को 1000 रुपया और 11वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए 1500 रुपया। कहीं ना कहीं हमारा ट्राइबल क्षेत्र है, लोग मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो उनके पास आर्थिक स्थिति खराब होती है, अपने बच्चों की फीस जमा नहीं कर पाते, क्योंकि मैं हमेशा से पूरी 5 साल जनता के बीच में रहा हूँ। विधायक जी, INH न्यूज चैनल ने 144 प्रत्याशी घोषित किए, उसके एक दिन पहले INH न्यूज चैनल ने अपना मत स्पष्ट कर दिया था कि डिंडोरी से ओमकार मरकाम और शेहपुरा से भूपेंद्र मरावी को टिकट मिलना तय है, इसमें क्या। मैं शीर्ष नेतृत्व हमारे सभी नेताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और न्यूज चैनल INH को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो टिकट घोषित होने के पहले एक दिन पहले ही न्यूज के माध्यम से प्रकाशित किया था। मैं INH को, न्यूज चैनल को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।